हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ब्राइडल ज्वेलरी लेके आई हूँ जो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में और बहुत ही प्यारा सेट है। तो चलिए एक एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो ज्वेलरी मंगाया है वो ग्रीन कलर का, इसका टप्पा थोड़ा सा ब्रेक हो चुका था, बट कोई नहीं, ज्वेलरी बहुत सेफली पैक हुआ था और ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी थी। ये ज्वेलरी जितनी देखने में प्यारी है उतनी ही वेटेड है। मैंने इसे वेयर करते टाइम दोनों साइड में डबल साइडेड टेप लगाया था। इसका कलर गोल्डन एंड ग्रीन था। ये कुंदन और ग्रीन कलर के स्टोन का वर्क किया हुआ है। बहुत ही प्यारा है ये सेट काफ़ी। ये एडजस्टेबल है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग टाइट एंड लूज कर सकते हैं। इसे आप ब्राइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और साइड में जिसका मैरिड हो गया वो भी इसे यूज़ कर सकता है। बहुत काफ़ी प्यारा था। पहनने के बाद ये कुछ नेक में ऐसे चिपक जाएगा। चलिए मैं इसका पिक लगा देती हूँ जिससे आप क्लियर हो जाए कि ज्वेलरी कैसी दिखती है। तो फ्रेंड्स, साइड में मैंने लगा दिया है कि ये मुझे कुछ 561 के अराउंड मुझे मिला था। इसका टीका और ईयर पीस बहुत छोटा था बट पहनने के बाद लुक बहुत प्यारा दे रहा था। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फटाक से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। ये रियल पिक है जो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया, आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो मैंने यहाँ पे कुंदन सेट लिया है जो रेड कलर का है, रेड और गोल्डन में है। ये भी मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला था। ये ज्वेलरी मुझे 314 के अराउंड मिला था और ये भी काफ़ी प्यारा है। आप इसे किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं। पूरे गले में ये भर जा रहा था, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। और हाँ फ्रेंड्स, आपको इन सारे सेट में से कौन सा ज्वेलरी पसंद आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूले। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो भर भर के लाइक किया करिए। आपको ये ज्वेलरी कैसी लगी? मुझे बहुत प्यारी लगी प्राइस के अकॉर्डिंग। आपको जैसी भी लगी मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। मैं इसका क्लियर पिक लगा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये सेट देखने में कैसी है। नेक्स्ट मैंने भी एक ज्वेलरी ग्रीन कलर की, मुझे मीशो का पैकिंग बहुत ही प्यारा लगता है और इसे भी मैंने मीशो से ही लिया है। फ्रेंड्स, आजकल हैवी सेज उतना ट्रेंड में नहीं है तो इसे ब्राइडल भी वेयर कर सकती है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। व्हाइट और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में इसे बहुत ही प्यारा है। इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग टाइट एंड लूज कर सकते हैं, ये भी एडजस्टेबल है। इसके इयररिंग की बात करें तो कुछ चांद वाली के लुक में था ये, आप इसे चांद झुमका कह सकते हैं। टीका भी सेम ईयर पीस के जैसा था। इसको मैरिड वुमन या
इंगेजमेंट पार्टी या मैरिज में इसे वेयर कर सकते हैं। काफ़ी हैप्पी सा इसका ईयर पीस था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सेट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका टीका भी लगभग ईयर रिंग के जैसा ही है, मगर बस प्लीज़ इसमें नीचे झुमका नहीं लगा है। तो चलिए इसका भी फोटो मैं लास्ट में लगा देती हूँ स्क्रीन पे। आओ नेक्स्ट, मैंने लिया है राजवाड़ी मांग टीका। इसे मांग टीका या माता पट्टी भी कह सकते हैं। चलिए इसे ओपन करते हैं। और हाँ फ्रेंड, मुझसे ओपन करते वक्त ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो कोई नहीं, मैं इसे बना सकती हूँ। और बाकी टीके में सब एकदम परफेक्ट है, टीका भी बहुत ही प्यारा है। इसे आप मांग टीका या माता पट्टी भी बोल सकते हैं, बट ये ज़्यादातर राजवाड़ी लोग ज़्यादा पहनते हैं। मैंने इसे शादी में पहनने के लिए मंगाया था, बट ये उसी वक्त ब्रेक हो गया था मुझसे, तो मैंने इसे वेयर नहीं किया और इसकी जगह मैंने कोई और टीका पहन लिया, बट ये टीका बहुत अच्छा था। और जहाँ राजवाड़ी टीके की बात है, वहाँ राजवाड़ा नथ तो लेना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे राजवाड़ी नथ भी लिया है। ये भी उससे मिलता ही जुलता कलर है, गोल्डन और ग्रीन कलर का। इसमें नीचे के साइड छोटे छोटे बीट्स लगे थे वाइट कलर के। पीछे से ये कुछ ऐसा था, बट ये भी बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा था। और हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी वेटेड भी था, मैं इसे ज़्यादा देर तो वेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, मगर हाँ बहुत प्यारा है। एक दुल्हन के लिए तो ये बहुत ही प्यारा है। आपको कौन सी ज्वेलरी पसंद आई प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ एक बार फिर से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खूब सारा भर भर के लाइक करें, प्यार करें एंड कॉमेंट करें। साथ ही साथ अपनों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।